गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 3 ऑफ इंग्लिश सेकेंड, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के भाग। इससे पहले चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि आपका जो सेंटेंस है उसमें दो पार्ट, उसके को दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, उसको दो भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। अब सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो हमारा होता है सेंटेंस में उसके भी कितने पार्ट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम आपके पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कर्ता के भाग पढ़ेंगे। देखिए, अब इसको रीडिंग करते हैं, समझिए इसको। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट इसके हो गए क्वालिफायर हो गया, और इसमें नाउन हो गया। नाउन को हम हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, नाउन को हम क्या कहते हैं, हेड वर्ड। अब देखिए, ए एन द, दिस दैट दीज दो, सम एनी, माय अवर योर हिज हर देयर, ये सब आपके वर्ड्स क्या हैं, आपके क्वालिफायर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए हम एग्जांपल, एक एग्जांपल है यहाँ पे दो, इनसे समझते हैं। दैट गर्ल इज माय सिस्टर, अब दैट गर्ल इज माय सिस्टर में दैट गर्ल आपका सब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटिए, तो सब्जेक्ट तो आपका दैट गर्ल हो गया और इज माई सिस्टर आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब दैट गर्ल यानी आपका सब्जेक्ट है, अब इसके भी आपको पार्ट्स करने हैं। ठीक है, ये अब ये जो नीचे टेबल बनी हुई है इसमें हम आपको समझाएंगे। एक दूसरा सेंटेंस और दिया है इन्होंने, दिस बॉय वीप्स, तो दिस बॉय वीप्स में दिस बॉय तो आपका सब्जेक्ट हो गया और वीप्स आपका प्रेडिकेट है। तो दिस बॉय के हमें इसमें पार्ट्स बताने हैं। अब देखिए नीचे टेबल में समझते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट के दो भागों में हमने डिवाइड किया, क्वालिफायर और नाउन में। यहाँ पे देखिए आपने करा था ना क्वालिफायर में और नाउन में, तो सब्जेक्ट को हमें क्वालिफायर और नाउन में डिवाइड करना है, और प्रेडिकेट आपका जो मैंने आपको बताया वही रहेगा। अब देखिए क्वालिफायर क्या हो जाएगा आपका, इसमें दैट हो जाएगा, दैट गर्ल में क्वालिफायर दैट हो गया, गर्ल आपका नाउन हो गया, नाउन हो गया या हेड वर्ड हो गया। ऐसी दूसरा सेंटेंस जो था आपका, उसमें आपका दिस तो आपका क्वालिफायर हो गया, बॉय आपका नाउन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो आपका इसमें केवल क्वालिफायर और नाउन था। सेंटेंस में आगे क्या होता है, क्वालिफायर भी होता है, एडजेक्टिव भी आते हैं, नाउन भी आते हैं, जो आपके और सेंटेंसेस होते हैं उनको अब हम नीचे समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है पहले, उसके बाद टेबल में समझेंगे। माई एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली, अ गुड बॉय इज हेयर। अब इसमें हमारा माई एल्डर सिस्टर, ये आपका इतना सब्जेक्ट बनेगा, और इज गोइंग टू दिल्ली आपका प्रेडिकेट हो गया। सेकेंड में अ गुड बॉय आपका सब्जेक्ट है और इज हेयर आपका प्रेडिकेट है। अब देखिए इस टेबल में देखते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट तो आपको बता दिए कि इसको, प्रेडिकेट का हमें कुछ नहीं करना, प्रेडिकेट को अलग कर दिया, सब्जेक्ट में करना है हमने। अब इसमें क्वालिफायर हो गया, एडजेक्टिव हो गया और हेड वर्ड हो गया। ठीक है, तो क्वालिफायर तो आपको पता ही है, माय हो गया। एडजेक्टिव में आपका एल्डर आएगा, भाई एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है, तो एल्डर आपको नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन क्या है, सिस्टर है ना, और सिस्टर की विशेषता क्या है, एल्डर यानी बहन कैसी है, बड़ी, तो एल्डर आपका एडजेक्टिव हो गया। ऐसी इसमें आ गुड बॉय, आ तो आपका क्वालिफायर हो गया, बॉय आपका नाउन है, और बॉय की विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्या है, गुड, अच्छा, तो गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए यहीं पर ऐसी इन्होंने डिवाइड किया, माय एल्डर सिस्टर, माय क्वालिफायर हो गया, एल्डर आपका एडजेक्टिव हो गया और सिस्टर आपका हेड वर्ड हो गया। ऐसी देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, आ आपके क्वालिफायर हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, बॉय आपका हेडवर्ड हो गया। ठीक है, दो टेबल हो गई हैं आपकी। अब थर्ड टेबल और आती है आपकी, थर्ड में क्या है, डिटरमिनर क्वालिफायर, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। ठीक है, ये आपको अपने बाद, मेरी वीडियो के बाद भी आपको अपने आप समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप जब तक इसको दो तीन बार नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं पहले, हिज यंगर ब्रदर सर्विंग इन द आर्मी गॉट एन अवार्ड, द ब्राउन फॉक्स लुकिंग स्मार्ट जम्प्ड अपॉन अ लेजी डॉग। ये दो सेंटेंस आपको हैं। ठीक है, दो सेंटेंसेस में आपका अब सब्जेक्ट क्या है, हिज यंगर ब्रदर सर्विंग इन द आर्मी, इतना आपका सब्जेक्ट है, और गॉट एन अवार्ड आपका प्रेडिकेट है। द ब्राउन फॉक्स लुकिंग स्मार्ट,
ठीक है, लुकिंग स्मार्ट था आपका सब्जेक्ट है और जम्प्ड अपॉन अ लेजी डॉग आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट का हमें कुछ नहीं करना और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमें डिवाइड करना है किस किस में, डिटरमिनर क्वालिफायर में, एडजेक्टिव में, नाउन में और एडजेक्टिव फ्रेजेस में। अब देखिए इसकी टेबल यहाँ पर दी है आपको, यहाँ देखिए क्वालिफायर क्या हो गया, हिज हो गया, एडजेक्टिव यंगर हो गया कि विशेषता बता रहा है क्योंकि वो नाउन की, नाउन आपका ब्रदर हो गया और एडजेक्टिव फ्रेज हो गया आपका सर्विंग इन द आर्मी। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल में द आपका क्वालिफायर हो गया, ब्राउन एडजेक्टिव हो गया, फॉक्स नाउन हो गया, फॉक्स कैसी है, ब्राउन, तो ये एडजेक्टिव हो गया और वो कैसी दिखती है, लुकिंग स्मार्ट, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर थर्ड जो है कंप्लीट हो गया है।